एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और शायद नौ। ये देखकर हैरान रह गए ना, यहाँ किसी तरह की कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ना ही किसी की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ये है नकल करवाने का नायाब तरीका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, नकल करवाने का नायाब तरीका। न जान की परवाह, न पुलिस का डर, एक छोटी सी चूक और सीधा नीचे। ये नजारा है हरियाणा के नूह जिले का, जहाँ पर नकल करवाने का ताबड़तोड़ कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ के तावडू शहर में दसवीं की बोर्ड परीक्षा में केंद्र पर नकल पर नकेल कसने के सारे दावे मंगलवार को फेल नजर आए। हवा में लटक कर छोटे से रोशनदान से कैसे पास होती है नकलचियों के लिए पर्चियां, वो देखिए। और मजे की बात ये कि ये खेल खुला है, देख रहे हैं ना खट्टर जी, कब खुलेगी आपकी तीसरी आंख? देखिए जरा, पर्चियां पास करने वाले ऊपर चढ़कर नकल के लिए पर्चियां पास करते हैं और इनका एक साथी छत पर खड़े होकर इनको ऊपर खींचने में मदद करता है और जो दर्शक हैं उनमें इतनी ताकत नहीं कि बोल पाए। पर्ची देने वाला व्यक्ति रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ता है और पर्ची पकड़ाकर भाग निकलता है। हरियाणा के नूह का ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसकी तुलना बिहार से कर डाली। दरअसल परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्र से फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना सामने आई, जिसके बाद नकलचियों के बीच खलबली मच गई और ये लोग बिल्डिंग व छतों पर चढ़कर नकल कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही विभाग द्वारा नकल रहित परीक्षा के दावे फेल होते दिखाई दिए। वादे बड़े बड़े लेकिन दर्शन खोखले। देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी, आपके राज्य में क्या क्या हो रहा है। वीडियो मैंने भी देखी है, अखबार में भी जैसे इसकी आज जोर लगी हुई है और एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने बीओ को बोल भी दिया है। आज विजिट की थी, आज कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था, उसके लिए पेपर नहीं था। नेक्स्ट पेपर में शव में विजिट करूँगा उस विद्यालय की और विद्यालय के प्राचार्य से मेरी बात हुई है। मैंने मेल करवाने को कहा कि आप संबंधित जो ऐसे चौक से कहें कि बीमारी हस्तक्षेप ज़्यादा है, आप जो है उसके द्वारा जो बाहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद। स्कूल के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड तैनाती ही देते रह गए और स्कूल के पिछले हिस्से से खेल हो गया। मंगलवार को 10th क्लास के एग्जाम के दौरान नकलचियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर चढ़ते दिखे। हालात ये थे कि एग्जाम शुरू होते ही ये काम शुरू हो गया। सोचिए, जरा सा पैर फिसला नहीं कि नीचे सीधा धड़ाम। जान का तो पता नहीं, पर हाँ, दो हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। फिर भी खतरों के खिलाड़ी बनकर नकल का काम जोरों पर चला। इसी बीच किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके और अगर बोल दिया तो अभिभावकों की गाली गलौज शुरू हो जाती। मंगलवार को हुआ ये नकल का मामला जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। परमजीत चहल ने बताया कि इस मामले के बाद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी फ्लाइंग में नहीं लगाया गया है। एक्चुअली अब की बार जो है एसपी साहब के संज्ञान में तो है कि एग्जाम चले हुए हैं। पहले प्रशासन की फ्लाइंग होती थी तो अब की बार वो प्रशासन की फ्लाइंग नहीं है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीओबीओ की फ्लाइंग नहीं है। हमारी व्यवस्था जो स्टाफ अगर कोई पहुँचना नहीं पहुँचता तो स्टाफ की व्यवस्था करना, उधर वो नहीं पहुँचे तो उसकी व्यवस्था करना, वो कर रहे हैं। और जिस भी विद्यालय की हमारे कुछ बाहरी हस्तक्षेप की संज्ञान में आती है तो उस विद्यालय के मुखिया और उस संबंधित बीओ के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं ताकि वहाँ व्यवस्था हो और एग्जाम सुचारू रूप से चल सके। आगे तो ये और थोड़ा पुख्ता एग्जाम करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत तो भारी भीड़ की है, उसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जिला प्रशासन एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नकल को रोकने के लिए कोई उचित प्रबंधन नहीं किए हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व भी नूह के टपकन में क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद अब परीक्षा रद्द करा दी गई। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर जमा हुए परिजनों की संख्या भी कम की जाएगी।